अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, अपने पेपरों की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि BSC पार्ट टू इंग्लिश के 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी कीज भी मैं आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे ज़बानी, ठीक है। तो अगर इंशाल्लाह आप ये सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की तैयारी की। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं जी। एक क्वेश्चन होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चन रीड करता जाता हूँ, ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, तो जो ऑप्शन होगा वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जी। सवाल नंबर 1 है जी, क्लासिकल लिटरेरी एजुकेशन लेज टू मच एम्फेसिस ऑन, तो इसका जवाब क्या जी। सवाल नंबर 2, अ फिलोसफर कैन नॉट गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स अनलेस ही इज़, ठीक है। सवाल नंबर 3 है जी, द कोल्ड जर्म्स ऑफ टुडे हैव डिसेंडेड फ्रॉम दी। सवाल नंबर 4, नेपोलियन अटैक्ड इंग्लैंड इन, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 जी, सीजर वाज एन इंपायर ऑफ किसका था जी। सवाल नंबर 6, हु पासिस ऑन द डिजीज टू अदर। सवाल नंबर 7, वाल्टर मिटी एडमिटेड दैट ही किल्ड। सवाल नंबर 8 है जी, मिटी रीच्ड द होटल एंड स्टार्टेड रीडिंग। सवाल नंबर 9 है जी, द फर्स्ट पर्पज ऑफ द यूज ऑफ अ वर्ड इज टू कोवे, ठीक है। तो इसका क्या जवाब है जी। सवाल नंबर 10 है जी, मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस एंड इलेक्शंस आर सेटल्ड, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है जी। सवाल नंबर 11 है जी, हु सजेस्ट डैट रीडर शुड कॉपी इमोशनली चार्ज फ्रेजेस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। सवाल नंबर 12 है जी, इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स डैश समटाइम्स प्रूव्स सुपीरियर टू ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस। सवाल नंबर 13 है जी, ओइंग टू द हाइटेंड इंटरेस्ट इन डैश मैनी स्टडीज ऑफ क्रिएटिव थाट्स हैव बिन मेड रिसेंटली, ठीक है। तो इसका क्या जवाब है। सवाल नंबर 14 है जी, अ फ्यू राइटर्स होल्ड द ओपिनियन डैट ऑल ट्रू मेंटल वर्क इज डैश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेस्ट को अच्छी तरह से टेस्ट समझ के, पेपर समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह पहले 2 टेस्टों पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आपकी तरफ से, और जो टेस्ट नंबर 3 है उस पर रिस्पॉन्स इतना नहीं आया बच्चों का। तो मैं आपको कीज भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करें, ये इंशाल्लाह आपकी तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 है जी, हु रोड टू जानांडो, ठीक है। अनांडो का मतलब है जी कि अब ये देखिए इसका जो आंसर है वो कहाँ क्या है जी, किसने ये लिखा था, ठीक है। तो ये था जी आपका टेस्ट नंबर 4। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी कीज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बाद में जब कि आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।